हेलो दोस्तों, मैं मनोज स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, अभी आप जो देख रहे हैं वो ट्रॉली है, P2 ट्रॉली है। इसमें आयरन और आते हैं, अलग अलग टाइप के और आयरन और आते हैं P1 से, और ये P2 में गिरते हैं। यह P2 ट्रॉली मूवेबल है, मूव हो सकता है, और जिस बंकर में चाहिए उस बंकर पे मूव करके ले जाया जाता है और वहाँ पे इसे गिराया जाता है, उस बंकर में गिराया जाता है। उस बंकर में बंकर का जो कैपेसिटी है वो 200 टन बंकर की कैपेसिटी है। दोस्तों, इस तरह से यह जो ट्रॉली है यह मूवेबल है, मूवेबल कन्वेयर है। उसको कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जाता है। मैन्युअली हम साइट पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, उस जगह से भी ऑपरेट कर सकते हैं। वहाँ पे एक आदमी कंटिन्यू, एक पर्सन वहाँ पे वॉच के लिए रहता है। तो ये P2 कन्वेयर है। इसके बाद जो ये दिख रहा है 200 टन का बंकर है। यहाँ पे जो मटेरियल है इसमें स्टोर करके रखते हैं। जिस हिसाब से मटेरियल लगता है आगे, उस हिसाब से इसको डिस्चार्ज किया जाता है। इसमें लोड सेल लगा होता है। दोस्तों, लोड सेल लगा, कितना वेट हुआ मटेरियल का, कितना वेट हुआ, कितनी मटेरियल इसके अंदर है, वो कंटिन्यू हमें दिखता रहता है या बताते रहता है कंट्रोल रूम में। अगर लोड सेल में कुछ प्रॉब्लम है तो उसे चेक करवाना पड़ता है, चेक करते हैं। ये 200 टन का है कैपेसिटी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बाद जो ये बंकर से सीधा वेव फीडर पे गिरता है मटेरियल नीचे, और फिर बिल्ड